इस वक्त की बड़ी खबर, अपने अंतिम सफर पर अपने घर ग्रीन एकर्स से निकल रही हैं श्रीदेवी। ये जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, कल आपने देखा होगा इस एम्बुलेंस को, इसी एम्बुलेंस में लेकर अंदर गई ना, उसमें जान भी और खुशी थी। ये देखिए, यही वो गाड़ी है जिसमें उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है। जो पहली गाड़ी थी यहाँ से, इसके जो एम्बुलेंस थी उससे पहले जो एक गाड़ी गई है उसमें उनकी बेटियाँ थी खुशी और जाह्नवी जो थी वो उनकी गाड़ी में थी, और पीछे पीछे कई सारी गाड़ियाँ यहाँ पर दिख रही है जिसमें उनके परिवार के कई सारे लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। करण जौहर भी यहाँ पर दिख रहे हैं और उनके परिवार की सारी गाड़ियाँ आप इस वक्त देख सकते हैं कि उनका पार्थिव आगे आगे उस जगह पर जो हॉल है वहाँ पे रखा जाएगा, वहाँ पर उस जगह पर, क्योंकि कुछ इंतजाम करने हैं इसलिए जितनी जल्दी जो है इनके पार्थिव को करीब आधा घंटा पहले ही, पुलिस ने पहले ही कहा था, यहाँ के जो क्लब के सेक्रेटरी थे उन्होंने भी पहले कहा था कि इसलिए पहले लाया जा रहा है कि कुछ रिचुअल्स यहाँ भी होंगे, पहले कुछ रिचुअल्स होंगे अभी, और उसके बाद जो है आधा घंटा उनको वक्त लगेगा और आधे घंटे के बाद जो है ये सारे इंतजाम जो किए जाएंगे, उसके बाद ही जो यहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आए हैं उनको अंतिम दर्शन दिया जाएगा। तो श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो है सेलिब्रेशन क्लब में लाया गया है और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन अभी भले ही उनका शरीर यहाँ पर लाया गया है लेकिन अंतिम दर्शन जो है उनको 9:30 बजे जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव 9:30 बजे लोगों के लिए रखा जाएगा। कई सारे लोग जो है उनके परिवार के, कई सारे लोग जो है वो भी उनके साथ है, उनका पूरा परिवार जो पहली गाड़ी थी उसमें उनकी दोनों बेटियां भी शामिल थी वो यहाँ पर आई है। आप देखिए यहाँ पर कई सारे लोग इस वक्त आ रहे हैं, हमारे साथ विभा भी है। विभा, कौन कौन थी उस गाड़ियों में? खुशी और जाह्नवी जो थी वो अपने मैनेजर्स के साथ, जो एम्बुलेंस थी उसके बिल्कुल पहले जो गाड़ी थी उसमें खुशी और जाह्नवी अपने मैनेजर के साथ वहाँ जा रही थी अंदर। उससे पहले हमने देखा करण जौहर अंदर गए, अंदर बिल्डिंग वालों को दर्शन करने को नहीं मिला तो इसलिए वो थोड़े से तो ये थे, क्योंकि वो उनको हर रोज जॉगिंग करते हुए उस पार्क में देखा करते थे तो वो उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। बट यहाँ पे आके आई थिंक कुछ सारे लोग शायद दर्शन कर पाएंगे और उनके पूरे परिवार के, अभी जैसे अरुणा ईरानी हैं, देखिए ये अरुणा ईरानी है, टूटू शर्मा अरुणा ईरानी के हस्बैंड हैं, ईरानी के हस्बैंड वो उनके बिल्कुल तीसरे माले पे रहती है। आपको हमें से एक और चीज बता दें कि ये वाली जो बिल्डिंग थी जब बनी थी तो श्रीदेवी इस पूरी बिल्डिंग की सबसे पहली, इस बिल्डिंग की सबसे पहली ओनर थी, क्योंकि बिल्डर से बनाया था तो ये पहली उन्होंने गिफ्ट की थी बोनी कपूर को। और वो जो फर्स्ट ये इन्हीं के लिए है, एक साइड से तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जो लाया गया है सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में। ये वो सफेद रंग की एम्बुलेंस, और देखिए किस तरीके से ये एम्बुलेंस दाखिल हो रही है सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब। 9:00 बजे ही पहुंच गया है पार्थिव शरीर सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब और 9:30 बजे से अंतिम दर्शन यहां पर शुरू होंगे पार्थिव शरीर के। आगे आगे एम्बुलेंस है और पीछे आप देख रहे हैं कई गाड़ियों की कतार जिसमें दोनों बेटियां खुशी जाह्नवी मौजूद हैं गाड़ी में, इसके अलावा पति बोनी कपूर मौजूद हैं गाड़ी में और उनके देवर अनिल कपूर, संजय कपूर वो मौजूद हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री से करण जौहर बताया जा रहा है वो भी पहुंचे हैं इस मौके पर परिवार के साथ, इस दुखी घड़ी में लगातार खड़े हुए नजर आ रहे हैं करण जौहर। तो ये देख रहे हैं आप सफेद रंग की एम्बुलेंस जिसमें श्रीदेवी का पार्थिव शरीर लेकर जाया गया है सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब। ये वही जगह है जहां पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और अंतिम दर्शन 9:30 बजे से कर सकेंगे पार्थिव शरीर के। खास व्यवस्था यहां पर की गई है, जो VVIP आएंगे, बॉलीवुड के सितारे आएंगे उनके लिए अलग इंतजाम किया गया है, इसके अलावा जो आम लोग आएंगे दर्शन के लिए उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। और खास बात यह कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर, ये देखिए गाड़ियों के दरवाजे खोल रहे हैं और इनमें से जो लोग पहुंचे हैं वो उतरते हुए आप देख रहे हैं यहां पर गाड़ियों से, तो ये परिवार के लोग जो पहुंच रहे हैं यहां पर, दिल्ली हो या फिर दक्षिण भारत से भी परिवार के कुछ लोग पहुंचे थे। ये महिलाएं जो रिश्तेदार हैं कपूर परिवार की वो यहां पर पहुंच रही हैं और ऐसे में अब पहले कुछ इंतजाम किया जाएगा और उसके बाद 9:30 बजे से
पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन शुरू हो सकेंगे। तो अंधेरी के सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब में पहुंच चुका है श्रीदेवी का पार्थिव शरीर। और खास बात यह कि ग्रीन एकर्स जो उनका घर था, वहां जो मेन गेट है वहां से नहीं बल्कि पीछे के रास्ते से निकाला गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।